हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ. ओके बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने विशेषण के चैप्टर को अच्छे से रीड किया था, उसे अच्छे से समझा था और उसकी एक्सरसाइज की थी. आज हम बात करने वाले हैं बच्चों आपके पार्ट 7, जिसका नाम है विशेषण. ठीक है बच्चों, सबसे पहले देख लीजिए, आप कक्षा चौथी के छात्र और छात्राएं हैं. दिनांक आज की जो डेट है बच्चों 31 अगस्त 2020 है. ओके, विषय हमारा हिंदी व्याकरण है, उप विषय है हमारा पार्ट 7 जिसका नाम है विशेषण, और आज हम इसके प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं. देखिए बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विशेषण किसे कहते हैं. और बच्चों, जैसा कि हमने चैप्टर में रीड किया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं. ठीक है, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ विशेष बात बताते हैं, चाहे वो रंग, रूप, आकार, दशा, गुण, किसी भी बात के बारे में हो सकती है, यानी कोई भी उसका एक गुण हो सकता है, उसकी दशा हो सकती है, उसका आकार हो सकता है, उसका स्वभाव हो सकता है. ठीक है, और संख्या वगैरह के बारे में बताता है, तो वो चीज क्या होती है बच्चों, वो विशेषण होती है. यानी विशेषण, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विशेषण का मतलब क्या होता है, तो विशेषण का मतलब होता है बेटा कि कोई भी विशेष बात. ठीक है, और वो विशेष बात किसके बारे में होगी, या तो संज्ञा शब्द के बारे में होगी या सर्वनाम शब्द के बारे में होगी. होगी ना बच्चों, जैसा मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था तब बताया था, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. ठीक है, और बच्चों एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे तो हम विशेषण कहते हैं, लेकिन विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं. यानी बच्चों, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं. ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं. संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, यानी या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं. ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं. अगर आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो हमने चैप्टर को अच्छे से रीड किया था, हमें तो पता है विशेषण के बच्चों कितने भेद होते हैं. वेरी गुड, राइट आंसर, विशेषण के 4 भेद होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा, जो पहला नंबर का होता है बच्चों, वो होता है हमारा गुणवाचक विशेषण. और गुणवाचक में क्या होता है, किसी भी चीज का गुण. ठीक है, यानी वो खट्टी है, मीठी है, अच्छी है, बुरी है, नई है, चमकीली है, पुरानी है. ठीक है, ये सब क्या है, ये उसके गुण है. ठीक है, यानी उसके गुण के बारे में बताएंगे, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, अच्छा है, बुरा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, काला है, गोरा है, हरा है, नीला है, पीला है, काला है, मतलब कोई भी उसके अंदर गुण होगा. ठीक है, ये हमारा होता है बच्चों गुणवाचक विशेषण. यानी गुण या दोष की जो विशेषता बताता है वो विशेषण हमारा होता है गुणवाचक विशेषण. सेकंड है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण. परिमाणवाचक विशेषण, जैसा कि मैंने आपको जब चैप्टर रीड कराया था तो मैंने बताया था बेटा, परिमाणवाचक विशेषण को आप कैसे पहचानोगे, कि जो विशेषण शब्द, यानी जिन शब्दों से हम, जो संज्ञा सर्वनाम शब्द दिए गए हैं आपके सामने, अगर उन चीजों का हम वेट करते हैं, यानी या तो उनको मापते हैं या तोलते हैं, यानी जिन चीजों को हम माप या तोल सकते हैं वो होते हैं बच्चों हमारे परिमाणवाचक विशेषण में. ठीक है, तो अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए, मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है. अब आपको पता है कि कपड़े को या तो हम माप सकते हैं ना, और आजकल तो वेट में भी आ रहा है बच्चों, आ रहे हैं ना कपड़े मार्केट में, कई शॉप पे आप जाएंगे तो वहाँ कपड़े वेट के हिसाब से मिलते हैं. तो जो चीज, जिस भी चीज को हम वेट कर सकते हैं, यानी या तो उसको माप सकते हैं या तोल सकते हैं, जैसे मिल्क है, मिल्क को हम मापते हैं, तोल नहीं सकते ना, उसका वेट वैसे थोड़ी ना करते हैं, उसको माप के अकॉर्डिंग हम मापते हैं. यानी वो 1 लीटर है, 2 लीटर है, 1 लीटर है ना, और मिलीलीटर है, ऐसा. ठीक है, अगर कोई चीज, जैसे आप प्याज लेने गए मार्केट में, तो उसका हम वेट करेंगे, 1 kg है ना, 2 kg है, 5 kg है, तो उसको हम वेट के हिसाब से, यानी जिस भी चीज को हम माप या तोल सकते हैं वो होता है बच्चों हमारा परिमाणवाचक विशेषण. ठीक है, यानी आपको परिमाणवाचक विशेषण में एक वर्ड याद रखना है, कौन सा, माप या तोल. ठीक है,
देखिए बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण 5 लीटर, 4 मीटर, 100 ग्राम, थोड़ा, कुछ आदि, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हैं। यानी परिमाणवाचक विशेषण में आपको क्या मिलेगा? लीटर, मीटर, ग्राम, थोड़ा, कुछ, मिलीमीटर, ठीक है, ये सब आपको मिलेंगे। यानी जिन चीजों को हम माप या तोल सकते हैं वो होते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। और संख्या, जैसा कि नाम से ही पता है, संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों? गिनती। यानी जो विशेषण हमें संख्या यानी गिनती के बारे में बताता है, गिनती के बारे में बोध कराता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 10, 20, पहला, चौथा, पांचवा, और इससे आगे काउंटिंग चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यानी जिन चीजों की हमें गिनती कंफर्म हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 पुस्तकें हैं। अब आपको पता है मेरे पास पुस्तकें कितनी हैं? 5 है, तो 5, तो 5 आया गया ना आगे, 5 क्या है बच्चों? हमारा संख्या है यानी गिनती है, तो हम इजिली उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा संख्यावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। बच्चों जब मैंने आपको चैप्टर रीड कराया था तो मैंने आपको बताया था सार्वनामिक। अब देखो ये सर्वनाम नहीं है, ये है सार्वनामिक। इसको बोलेंगे बच्चों सार्वनामिक विशेषण। यानी जो शब्द संज्ञा से पहले आकर, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द, यानी इसमें क्या होगा, इसमें हमें सर्वनाम शब्द मिलेगा, लेकिन इसकी पहचान हमें कैसे करनी है? इसमें सर्वनाम शब्द तो होता है, लेकिन वो सर्वनाम शब्द बच्चों संज्ञा से पहले आता है। यानी कोई संज्ञा शब्द हो गया सेंटेंस में और उससे पहले आपको सर्वनाम शब्द दिया जाएगा, और वो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर इशारा करते हुए उसके बारे में बताता है, यानी संकेत करता है, इशारा करता है उसकी ओर और उसके बारे में कुछ बताता है। तो ये होता है बेटा हमारा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। जैसे यह आम का पेड़ है, अब यह आम का पेड़ है, ठीक है, और आम, आम क्या है? आम संज्ञा है, और आम से पहले क्या आया? यह है। अब यह सर्वनाम तो है, लेकिन इसने संज्ञा की ओर इशारा करते हुए उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल, ठीक है। अब वाक्य में ये आपको वैसे भी नजर आ सकते हैं, ठीक है, उस पे नहीं जाना है। जब ये जो सर्वनाम शब्द है, ये सर्वनाम शब्द आपको वाक्य में संज्ञा से पहले मिलते हैं, यानी पहले आपको संज्ञा शब्द नजर आएगा, उसके बाद आपको ये वाले सर्वनाम शब्द दिखेंगे, तब हम कह सकते हैं कि वो जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, ठीक है। हमें पता है बच्चों विशेषण जिनकी विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे विशेष्य कहलाते हैं। देखिए विशेषण क्या होता है? विशेषण वो होता है बच्चों जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब क्वेश्चन घुमा के भी दिया जा सकता है आपको, आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि विशेष्य किसे कहते हैं, तब हम बताएंगे विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, अब आपको आंसर पूरा बता दिया लेकिन आपसे पूछ लिया कि वो कहलाते क्या हैं, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं, ठीक है। बच्चों नीचे मैंने लिखा है दिया गया कार्य सुंदर अक्षरों में लिखो व याद करो। यानी ये जो वर्क आपको दिया गया है वो आपको हिंदी ग्रामर की नोटबुक में, हिंदी व्याकरण की नोटबुक में इस वर्क को लिखना भी है और बच्चों याद भी करना है, ठीक है। चलिए मैं इन क्वेश्चन आंसर को एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण, इसमें हमें गुण, दोष, दशा आदि के बारे में पता चलता है कि कोई चीज अच्छी है, बुरी है, खट्टी है, मीठी है, नई है, पुरानी है, चमकीली है, छोटी है, कैसी है, ठीक है, तो वो होता है बच्चों हमारा गुणवाचक विशेषण। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, छोटा, खट्टा, नया, चमकीला आदि। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर पे परिमाणवाचक विशेषण, इसमें क्या होता है बच्चों हमें याद रखना है माप या तोल। परिमाणवाचक विशेषण जब मैंने चैप्टर को रीड कराया था तो मैंने आपको बताया था बच्चों परिमाणवाचक विशेषण में हमें सिर्फ 2 वर्ड याद करने, माप तोल, यानी जिन चीजों को हम माप सकते हैं वो भी हमारी परिमाणवाचक में आ जाएंगी,
और जिन चीजों को का हम वेट कर सकते हैं, जिन चीजों को हम तोल सकते हैं, जिन चीजों को हम माप सकते हैं, दोनों हमारी किसमें आएंगी, परिमाणवाचक विशेषण में। फॉर एग्जाम्पल 5 लीटर, 4 मीटर, 100 ग्राम, थोड़ा, कुछ आदि। ओके, नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। और संख्या जैसे कि इसके नाम से ही कन्फर्म है, संख्या मतलब गिनती, ठीक है, जैसे 1, 2, 10, 20, पहला, चौथा आदि। सार्वनामिक विशेषण, यह, वह, यही, वही, इस, उस आदि। सार्वनामिक यानी इस विशेषण में आपको सर्वनाम शब्द मिलेगा, लेकिन वो सर्वनाम शब्द आपको संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की ओर इशारा करते हुए उसके बारे में कुछ बताता है, तो वो होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। यानी हमें इस विशेषण को ऐसे याद करना है कि ये जो सार्वनामिक विशेषण में हमें सर्वनाम शब्द मिलेंगे, लेकिन वो सर्वनाम शब्द हमें संज्ञा से ठीक पहले आए हुए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों विशेषण, जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं। यानी विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। ओके बच्चों, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ये जो वर्क दिया है मैंने आपको अपनी रफ नोटबुक में इसे आपको अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में इसे लिखना भी है और याद भी करना है। और याद करने के बाद बच्चों आपको इस वर्क की रफ नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।